नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे ट्रिपलिंग सीजन 3 के बारे में। TVF का ये क्रिएशन है, G5 पर आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपने ट्रिपलिंग का सीजन 1 और 2 नहीं देखा है तो TVF प्ले ऐप पर आप इसको देख सकते हैं, या ये दोनों सीजन G5 पर भी उपलब्ध हैं तो वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों तीसरे सीजन के डायरेक्टर हैं नीरज अधवानी। और दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से, और इस बार भी कहानी है तीन भाई बहनों की, चंदन, चंचल और चितवन की। चंदन जो कि सबसे बड़ा भाई है, उसके पास एक फ़ोन आता है और उसे लगता है कि एक अर्जेंट मैटर सामने आ गया है। वो अपने दोनों भाई बहनों को साथ लेता है और पहुंच जाता है माता पिता के पास। यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज इन लोगों का इंतजार कर रहा है, एक बम है जो कि बिल्कुल ही फूटने को तैयार है। माता पिता इनको क्या सरप्राइज देने वाले हैं, इन तीनों भाई बहनों का क्या होता है, यही कहानी आप इस सीरीज़ में देखते हैं। दोस्तों तीसरे सीजन में जो सबसे ज़्यादा कमी खलती है वो है रोड ट्रिप की। सीजन 1 और सीजन 2 में रोड ट्रिप के इर्द गिर्द कहानी थी, लेकिन सीजन 3 की जो कहानी है वो ज़्यादातर घर की ही कहानी है। और सीजन 3 की कहानी तीनों भाई बहनों की कहानी तो है ही, लेकिन ज़्यादातर इनके माता पिता की कहानी है, चारू और चिन्मय की कहानी है। दोस्तों ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप से बहुत उम्मीदें रखते हैं, लेकिन उनको टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो जो भी करेंगे, जो भी फैसले करेंगे, माँ बाप तो उनका साथ देंगे ही। लेकिन जब माँ बाप अपने लिए कोई फैसला करते हैं, कोई अलग राह वो चुनते हैं, तो बच्चे फिर उसको आसानी से नहीं डाइजेस्ट कर पाते। और बच्चों को ये लगता है कि माँ बाप को तो केवल एक आदर्श की भूमिका ही निभानी है, एक आदर्श के सांचे में ही ढला रहना है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो फिर बहुत चीज़ें अलग अलग तरह से होती हैं और बच्चे अलग तरह से रिएक्ट भी करते हैं। लेकिन आखिर में हम सबको ये समझना होगा कि एज ए फैमिली हमको हर किसी की खुशी का ध्यान रखना है, और भले ही कोई कहीं भी रहे, जहाँ रहे, लेकिन उसका खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो तीसरे सीजन की कहानी है वो एक अलग है, लेकिन अच्छी कहानी कही जा सकती है। और यहाँ आपको कॉमेडी का एलिमेंट भी ठीक ठाक दिखता है। कुछ वन लाइनर्स हैं वो अच्छे हैं, कुछ पंचेज आपको ठीक लगते हैं, लेकिन अगर सीजन 1 और सीजन 2 से तुलना की जाए तो फिर कॉमेडी थोड़ी कमज़ोर ज़रूर लगती है। और दोस्तों कॉमेडी का जिम्मा यहाँ चितवन के करेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा था, जैसा कि हमने सीजन 1 और 2 में देखा। लेकिन चितवन का जो करेक्टर है अब थोड़ा सा जिम्मेदार हो चुका है, थोड़ा सा वो सीरियस हो चुका है, और ये एक चेंज इसके अंदर आया है। हालांकि ये देखना भी हमको ठीक लगता रहता है। दोस्तों यहाँ देखिए, ये जो सीरीज़ है ये TVF की सीरीज़ है, और TVF वाले ये जानते हैं कि इमोशन को कैसे उभारना है। तो यहाँ भी ये काम इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है। कुछ दृश्य हैं जो आपको काफ़ी इमोशनल कर सकते हैं, और इन तीनों भाई बहनों की जो बॉन्डिंग है, या कभी ये लोग जो नॉस्टैल्जिक होते हैं, वो देखना भी हमको अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों कुछ डायलॉग्स यहाँ ज़रूर आपको अकवर्ड लगते हैं, या एक दो दृश्य ऐसे हैं जो लगता है कि देखिए ऐसा मिडिल क्लास इंडियन फैमिली में होता नहीं है, या जितनी ओपन तरीके से यहाँ बातचीत की जाती है वो थोड़ा खटकता जरूर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक जो करेक्टर रखा गया है वो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, वो है कुणाल राय कपूर का करेक्टर। लेकिन देखिए सीजन 1 और 2 में भी उसको खास तवज्जो नहीं दी गई थी, और सीजन 3 में भी ऐसा लगता है कि इस करेक्टर को थोड़ा सा इग्नोर किया गया है। लेकिन ओवरऑल देखें तो दोस्तों ये एक अच्छी सीरीज़ है, एक एंटरटेनिंग सीरीज़ है, और लाइट एंटरटेनमेंट के मूड में अगर आप हैं तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों सुमित व्यास हैं इसमें, मानवी गुरु हैं,
हैं, अमोल पराशर हैं, ये लोग आपको अच्छे लगते हैं, इनकी अदाकारी अच्छी लगती है। इसके अलावा कुणाल राय कपूर हैं, कुमुद मिश्रा हैं, शहनाज पटेल हैं, तो इन लोगों ने भी अपनी अदाकारी अच्छी की है। तकनीकी तौर पर भी ये सीरीज़ आपको अच्छी दिखती है और यहाँ कैमरे से कुछ बेहद खूबसूरत दृश्यों को कैद किया गया है। खास करके जो पहाड़ के दृश्य हैं वो देखना हमको ज़रूर ही अच्छा लगता है। म्यूज़िक का डिपार्टमेंट भी ठीक ठाक है, कुछ गाने हैं हालांकि ऐसे नहीं जिनको आप बार बार सुनना चाहें। तो दोस्तों तीसरे सीजन में आए हैं 5 एपिसोड और ये एपिसोड है 25 से 30 मिनट के, लेकिन इस सीरीज़ में एब्यूजिव लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रेफरेंसेज हैं, तो एकदम ही परिवार के साथ देखने के लिए ये सीरीज़ ठीक नहीं है। और दोस्तों इस सीरीज़ के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।